Stop making videos like me. Stop post on Dream Deep Assembly. Stop copying me. I have 350 plus subscribers. Chup! Sharam karo bhagwan se dar chalo अल्ट्रा मल्टी क्राफ्ट। देखो मैं इस चीज़ इस चैनल को जानता तक नहीं, मुझे पता नहीं इसका चैनल भी है। एंड मेरे और ड्रीम पीपीएसएमपी के बीच में टांग अड़ाने आ गया। ठीक है, चलो ये ड्रीम पीपीएसएमपी का स्टाफ है मुझे हाल ही में पता चला। चलो ये तो ठीक है कि भाई ये स्टाफ है तो बोल सकता है, बट इसने कहा कि भाई ये सॉरी मैं इसकी कॉपी कर रहा हूँ, मतलब मैं इसकी कॉपी कर रहा हूँ। मैं इसने मेरी हाल ही मैंने एक वीडियो डाली है भाई कौन सा सबसे बेस्ट आर्मर है, एंड उसे लगता है कि भाई मैंने उसकी वीडियो का कॉपी किया है। एंड ये बात वो खुल्लम खुल्ला कि मैं सर में बोल रहा है, एंड बोलता है कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी एडिटिंग आती है, मेरे पास तुमसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। बेटा बोलने के लिए सब्सक्राइबर्स नहीं मतलब होता, सही बोलना सही है एज सब्सक्राइबर्स मतलब नहीं होता, सही बोलने वाले की ही बात सुनी जाती है, समझे। और तुम लोग को मैं इसकी वीडियो दिखाता हूँ। तो ये इसकी वीडियो नहीं, अब ये अपनी वीडियो में दिखाता है पावरफुल आर्मर, एंड ये दिखाता है, सिर्फ इतना ही दिखा कि इसने हटा दिया। एंड भाई मैंने लिटरली पूरी डिटेल के साथ दिखाया, एंड मैंने इससे काफ़ी अलग बताया है, मैंने इसके तो वीडियो को दिखाया भी नहीं, मैंने तो पूरा एकदम अलग ही बताया, फिर भी ये बोल रहा है कि मैंने इसकी कॉपी की, मतलब भाई नहीं था। मैंने इतनी अलग तरीके से बताया, फिर भी ये मेरे सर्वर में को बोलता कि मैंने इसकी चीटिंग की, मतलब बंदे ने 2 सेकंड इंट्रो आउटर लगाना सीख के लिया काइन मास्टर से, अपने आप को मास्टर समझने लगा अबे। और मैं तुम लोग इसकी एक और वीडियो दिखाता हूँ भाई, तब इसके बाद मैं भी ये चीज़ कह सकता हूँ इसने मेरी कॉपी की है। सुबह सुबह वो तुम लोग 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके चुक्कर फैला के ऐसे वीडियो बना रहे हो। अरे शर्म करो, कुछ अच्छा काम करो, अच्छे वीडियो बनाओ जैसे मैं बनाता हूँ, कुछ अच्छा करो लाइफ में, हाँ पापे खाओगे। मैंने भी अपने चैनल पर 3 हफ्ते पहले इस तरह की वीडियो डाली थी सुपर रेयरेस्ट और क्या, उसके बाद इसने अपने चैनल पर भी मेरे डालने के बाद डाली, तब तो भाई मैं ही ये बता सकता हूँ कि भाई इसने मेरी चीटिंग की, मेरी कॉपी की, बट मैं क्या ही बोलूँ, इसने अब खुद ही इतना बड़ा हक दिया भाई, इसके कॉमेंट्स देख के पता चल रहा था, बट इसने मेरे ख्याल से तो रिमूव भी कर दिया होगा भाई, लोग इसे खुद गाली दे रहे थे कि भाई एमरे सबसे ज़्यादा, मेरी वीडियो सही भी थी, एंड मैंने अपनी वीडियो में एकदम कुछ सही से बताया, मैं जो भी बनाता हूँ एकदम स्क्रिप्टिंग के साथ और सही से ही बनाता हूँ, लेकिन इसने भाई लिटरली हक दिया मुझे, इस पर विश्वास करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट इसने मेरे को मजबूर कर दिया, एंड मेरे को ये अच्छी तरीके से बताई, अपने चैनल के प्रमोशन के लिए मेरे पास आया था ताकि मैं इसे रोस्ट करूँ एंड इसे पब्लिसिटी मिले, एंड वो बात अलग, इसके पास सब्सक्राइबर्स मेरे से ज़्यादा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सही बात बोलने के लिए बड़ा छोटा नहीं होता, कोई भी सही बात बोल सकता है, ऐसा गीता में लिखा नहीं पता तो पढ़ लो। एंड या आज के लिए इस बच्चे के लिए इतना ही रोस्ट काफ़ी है, फिलहाल मुझे ऐसा लग तो रहा है कि भैया जानबूझ के मुझे ललकारने के लिए आया था। एंड या ड्रीम पीपी वाले तुम लोगों के लिए पार्ट 5 मैं जल्दी लेने वाला हूँ, बट या मुझे लगा कि इस चीज़ पर इसे बोलना ज़रूरी है, तो आज इस वीडियो में इतना ही, एंड इसका इतने से मन भर गया हुआ, तो यार आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं तुम लोग से मिलूंगा एक और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर, एंड अगर तुम लोग वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसका शेयर करना, एंड बाय। हाँ भाई कैसी लगी?